गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ टू इंग्रेडिएंट चॉकलेट मूस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। इसे बनने में तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं, बट आपको इसे ख़त्म करने में एक मिनट भी नहीं लगेगा। ये इतना ज़्यादा मज़े का होता है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पतीली में पानी रखेंगे, उसके ऊपर एक बोल रखेंगे और उसमें डाल देंगे 1/4 कप डार्क चॉकलेट। इसे मैंने ग्रेट कर लिया है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। और पानी हमें थोड़ा सा लेना है, पतीली में ज़्यादा नहीं लेना है, वो बोल को टच नहीं करना चाहिए। और गैस का जो फ्लेम है वो हम लो पे रखेंगे, क्योंकि देखिए चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद हम लेंगे एक बोल और इसमें डाल देंगे 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम, और ये ठंडी है, फ्रीज़र से निकाली हुई। इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी, और इसे हमें बीट करना है मीडियम टू हाई स्पीड पे, जब तक कि इसमें स्टिक फिक्स नहीं बनने लगते। तो ये देखिए क्रीम जो है वो बीट हो गई है, इसमें स्टिक फिक्स बनने लगे हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मेल्ट किया हुआ चॉकलेट, पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम 1 मिनट के लिए, आप फिर से इसे बीट कर लें। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है, इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें स्पैचुला से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पाइपिंग बैग, इसमें लगा लिया मैंने ये स्टार टिप नोजल। आप चाहे तो इसे प्लेन पाइपिंग बैग में भर के भी इसे सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसमें कोई नोजल लगाएं, आप इसे सिंपल पाइपिंग बैग में डाल के भी सर्व कर सकते हैं। तो इसे हम भर देंगे पाइपिंग बैग में। इसके बाद हम ले लेंगे कोई सा भी बोल जिसमें आपको इसे सर्व करना हो, और उसमें हम इसे पाइप कर देंगे इस तरह से। ऊपर डस्ट कर देंगे थोड़ा सा कोको पाउडर ऊपर से, और अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए, जिससे कि ये सेट हो जाए। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट मूस बनके रेडी हो गया है, और ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।